आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम मैकबुक में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या मूवी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी रिकॉर्डिंग के लिए हमें यहाँ पर एक सर्च बटन आता है, वो सर्च करें। यहाँ पर आप क्विक टाइम प्लेयर, ये वाली है, ये आपको यहाँ पर एप्स में जाओगे, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो वो मिल जाएगी आपको। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, जस्ट ओपन हो गया। अब ओपन के बाद मैं जाऊँगा फाइल में, फाइल में आप देखो यहाँ पर न्यू मूवी रिकॉर्डिंग, न्यू ऑडियो रिकॉर्डिंग, न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप मूवी ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो मैं इसको सिंपल सा क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी, ये वाली ऑप्शन है। यहाँ पर आप कैप्चर करने के लिए कैप्चर इंटायर स्क्रीन, कैप्चर सेलेक्टेड विंडो एंड कैप्चर सेलेक्टेड पर्सन, यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ फर्स्ट वाली, तो मुझे इसकी कैप्चर ये करनी है। तो ये पूरा कैप्चर हो गया और सिंपल सा सेव कर लोगे इसको। यहाँ से सेव आ गया, आपको जहाँ पर सेव करनी है, पीएनजी करनी है, जेपीईजी जो करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी कैंसिल करता हूँ, डिलीट करता हूँ उसको। और सेकंड आप फिर से आप जाओ यहाँ पर, सेकंड आप देखो कैप्चर सिलेक्टेड विंडो, इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप जहाँ पर आपको जिस एरिया को कैप्चर करना है, तो मैं जैसे इसको करना है या फिर ये पीछे का विंडो का, इस यहाँ आप इसको कर सकते हो या फिर पीछे कर सकते हो, फिर ऊपर नीचे, जहाँ पर जिस एरिया को आपको करना हो उसको कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ, ये मैं किया, तो ये बस यही वाली कैप्चर होके आ गई। फिर आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, ये सेव हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं। ये कैप्चर सेलेक्टेड पर्सन, आप जिस पर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हो और उसका कैप्चर करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं इसको करना है तो यहाँ पर, तो आप जिस एरिया को सिलेक्ट करोगे, जहाँ पर करोगे, जैसे मुझे बस इतना करना है या फिर नीचे करना है, तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हो। ये भी कैप्चर हो गया, इसीलिए आपको कैप्चर कर लिया। फिर नॉर्मल सा वही सेव, एंड ये हो गया कैप्चर की बात। कैप्चर के बाद देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ तक तो कैप्चर था, अब यहाँ पर स्क्रीन, ये आ गया आपका रिकॉर्ड इंटायर स्क्रीन। तो जहाँ पर जिसमें सेलेक्ट करोगे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका रिकॉर्डिंग। ये रहा रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग का आइकन है, यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। जब आपका हो जाए क्लिक करो, आप ये बंद हो जाएगी, यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग हो गई है। ये रहा आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। एक और ऑप्शन है आपके पास सिलेक्टेड एरिया, जहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे उसी एरिया को ये रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करो जो एरिया को करना हो, जैसे गूगल पे सब कुछ करते हैं, जिस एरिया को करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। और सिंपल से यहाँ रिकॉर्ड करो, बस इसी एरिया में वो रिकॉर्ड होगा। ये रहा, बस इसी एरिया को ही आप सेलेक्ट किए हो, बस उसी एरिया को रिकॉर्ड करेगा। तो इस प्रकार आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो मैकबुक में। इसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आप कहाँ पर आपको सेव करना है वो आप देख सकते हो, फिर टाइमर लगा सकते हो, फिर माइक्रोफोन जो सेलेक्ट करोगे रिकॉर्डिंग के लिए वो आप कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शन आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से यहाँ ऑप्शन का काम हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक्स गाइस।